धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनाशंसाने देहश्चिताया परलोकमार्गे धर्मानुभोगच्छति जीवैका। ध्यान से सुनिएगा। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, पहले क्या था ना कि धन को जमीन में गाड़ देते थे। आज भी बड़े बुजुर्गों को जो मिट्टी के घर हैं तो शायद किसी किसी को धन मिलता भी है। मिलता है कि नहीं? मिला है बता दो, चाहिए नहीं? चाहिए नहीं, सच्ची में निकलता है। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है पर सुना है। तो इसलिए लिखा है धनानि भूमौ। जब हम इस संसार से जाते हैं तो धन कहाँ रह जाता है? भूमि में। लेकिन अब भूमि नहीं तो बैंक है, अब तो बैंक में ही जमा करते हैं, तो हमारा धन कहाँ रह जाता है? बैंक में। अब पहले ना बैलगाड़ी चलती थी, अब क्या चलती? फोर व्हीलर्स ये चलती है। तो ये गाड़ी कहाँ रखी रह जाती है? दरवाजे पे। ये कब की हम बात कर रहे हैं? अंतिम यात्रा की, जब हम इस दुनिया से जाते हैं। तो हमारा पैसा कहाँ रह गया? बैंक में, गाड़ी द्वार पर। पत्नी कहाँ रह गई? गृह द्वारे, द्वार तक। इससे आगे उसकी सीमा समाप्त, इससे आगे नहीं जा सकती। अब जो परिवारी जन होते हैं, मित्र जन होते हैं, वो कहाँ तक जाते हैं? शमशान तक केवल। अब क्या बचा? शरीर। शरीर कहाँ तक जाता है? चिता तक। फिर हमारे साथ गया क्या? मतलब धन भी रह गया, गाड़ी भी रह गई, पत्नी भी रह गई, परिवारी जन भी रह गए, हमारे मित्र दोस्त भी रह गए, तो हमारे साथ गया क्या? कभी विचार किया? धर्मो नुगो गच्छत जीवैका, धर्मानुगो गच्छत जीवैका। हमारे साथ केवल क्या जाता है? धर्म और अधर्म। क्योंकि कल भी मैंने निवेदन किया था, व्यक्ति दो प्रकार के कर्म करता है, पाप और पुण्य। पुण्य किया अर्थात धर्म, और पाप किया तो अधर्म। अब कैसे पता चले कि हम भाई अधर्म भी करते? झूठ बोलते हो? बोलो, झूठ बोलते हो? और तो कुछ छोड़ो, और तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, बाबा तुलसी लिख रहे हैं। तो सत्य से बड़ा अगर कोई धर्म नहीं है तो फिर झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, झूठ से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो असत्य बोलते हो? किसी की बुराई करते हो? बोलो, करते हो? किसी का सिर नहीं हिलेगा। और लेकिन ये पता है कि पीछे झगड़े यही होते हैं, तुमने हमारे बारे में ये कह दिया, तुमने हमारे बारे में वो कह दिया। आज देखिए, हम व्यर्थ के कामों में समय व्यतीत कर रहे हैं। रोज सुबह इसी बात पर चर्चा होगी, या रोज शाम को इसी बात पर चर्चा होगी, या चार लोग इकट्ठा होकर यही चर्चा करेंगे, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये किया आज, आज उसने ये किया। सुबह से शाम तक मनुष्य को अपने कर्मों को नोट करना चाहिए कि सुबह से शाम तक हमने क्या किया। तो वो अपने कर्मों को तो भूल जाता है कि हमने किसकी बुराई की, किससे झूठ बोला, किससे क्या कहा, लेकिन अपने दूसरे की याद रखता है। अर्थात जिसके याद कर रहा है उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, और वो पाप का भागी बनता है। हमारे संतजन क्या कहते हैं? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अर्थ तो सभी लोग समझ रहे होंगे, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना उजर करे सुभाए। अर्थात जब हमारी निंदा होती है, हमारी बुराई होती है, तो उससे हमारे पाप कम होते हैं। मान लो हमारी कोई निंदा कर रहा है, हमारी कोई बुराई कर रहा है, तो उस व्यक्ति से झगड़ो मत, उसे प्यार करो। महापुरुष यही कहते हैं, क्योंकि उससे हमारे पाप कम होते हैं।
अच्छा ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो आपके वस्त्र गंदे हैं और कोई रोज ड्राई क्लीन करके दे दे तो बुरा क्या है, बोलो। कोई रोज आप उतार के रख रहे हो, कोई साफ करके दे दे तो बुरा क्या, अच्छी बात है ना। अच्छी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आपको कोई साबुन सर्फ एक्सल का कोई खर्चा नहीं है, आपको परिश्रम भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही होता है, हम जो जीवन में जो भी हमसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं, पाप होते हैं, तो जब हमारी निंदा हमारी बुराई होती है तो वो पाप कम हो जाते हैं। अर्थात जो बुराई करे तो उससे प्रेम करो ना कि झगड़ो। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की।